Good morning, children. Today, again, I am going to revise chapter 2, Keeping Clean. You all studied this chapter earlier, but again, I am going to revise this chapter to all of you. Here, in Keeping Clean, you see, we must take care of our body. To keep our body clean, we should do the following things. You know all the things what should we do? We should brush. We should take bath, we should comb, we should cut our nails with nail cutter, we should wash our hands with soap. When we sneeze, we use hanky. Okay, this is good habits, good manners which you should follow. In keeping clean, you studied earlier also. Now, we need different things to keep ourselves clean. Ab hum log aur kya kya karte hain apne aap ko saaf rakhne ke liye? To nahate hain. सोप का यूज़ करते हैं, टॉवल का यूज़ करते हैं, टूथब्रश से मुँह साफ़ करते हैं, हैंकी यूज़ करते हैं, ठीक है, नेल कटर से हम लोग नेल्स काटते हैं, अपने बालों को कॉम करते हैं कंघी से. ये सब गुड हैबिट्स है, गुड मैनर्स है. तो आपने ये पहले ही पढ़ चुका है कि हम लोग को क्लीन रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए. ये सब करना चाहिए, ठीक है, और हम लोग को अपने आप को साफ़ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब करना चाहिए. आपको फोटो में आराम से दिखाई दे रहा है, ये बच्चा नहा रहा है, ये टॉवल से अपने बॉडी को पोंछ रहा है, ये ब्रश कर रहा है, ये हैंकी यूज़ कर रहा है, ये कॉम कर रही है और ये नेल्स को काट रही है, ठीक है. आपको ये फिर से ये चैप्टर पढ़ना है. आप लोग के पास पीडीएफ फाइल है जिसमें कि ये चैप्टर दिया हुआ है. आप लोग आराम से रीड दिस चैप्टर, ओके. चैप्टर टू, दिस इज योर होमवर्क टू रीड चैप्टर टू, कीपिंग क्लीन अगेन. थैंक यू.